Good morning, my dear student. So today we'll learn mathematics subject. In mathematics, today we'll continue our chapter number 5. The name of our chapter is Shapes and Designs. Okay, so if you have textbook, then open it and keep your pen or pencil with you. See page number 66. 10 gram. क्या दिया गया है यहाँ पे? 10 gram. Now what is 10 gram? The 10 gram is an old Chinese puzzle. 10 gram जो है वो एक Chinese puzzle है. From the piece of the 10 gram we can make many shapes of animals, peoples and things. So ये 10 gram जो puzzle है उसके different pieces को हम use करके different types of shapes, एनिमल्स के शेप, पीपल के शेप एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग के शेप बना सकते हैं. ऑल द बैक ऑफ द बुक यू विल फाइंड अ स्क्वायर लाइक द वन इज इन दिस फिगर. कट इट आउट केयरफुली एंड कट द पीस. दिस सेट ऑफ 5 पीसेस इज कॉल्ड 5 पीस 10 ग्राम. Use these 5 pieces to make the following square. So see student, यहाँ पे एक आपको 10 ग्राम दिया गया है, उसको हम बोलेंगे 5 पीस 10 ग्राम. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 and 5. अब आपको ये किस तरीके से बनाना है, आप अगर एक स्क्वायर शीट ले लो और उसमें इस तरीके से पहले डिजाइन ड्रॉ कर लो और उसके बाद यही शेप में आपको दो यहाँ पे ए ट्राइंगल इस तरीके से कट करना है, ये स्क्वायर है, फिर इस तरीके से आपको शेप बना के फिर उसको आप कट कर लोगे. सो आपके ये 5 पीस 10 ग्राम हो जाएगा. नाउ यहाँ पे नीचे हमें क्या करना है, हमारी बुक में थोड़ी फिगर दी गई है. सी हियर 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो ये 5 जो फिगर है वो हमें बनानी है. बट किस तरीके से बनाएंगे, हमें यही 5 पीस को यूज़ करके ये सारी फिगर्स बनानी है. ओके सो हमारी एक्टिविटी हम देखते हैं. नाउ हमारी जो फर्स्ट फिगर दी है वो हम किस तरीके से बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर 10 ग्राम दिया है, वही 10 ग्राम के सारे पीसेस यूज़ करके हमें ये फिगर बनानी है. सो ये फिगर बनाने के लिए देखो, आप ये 1 नंबर वाला पीस यहाँ रख दोगे, 2 नंबर वाला पीस इस तरीके से अरेंज करोगे, देन 3 नंबर वाला पीस इस तरीके से अरेंज करोगे, देन 4 नंबर उसको आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रख दोगे, एंड 5 नंबर पीस जो है उसको यहाँ पे आप अरेंज कर दोगे. सो आपकी फर्स्ट नंबर की जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगी. सी ओके सो इस तरीके से आपको फर्स्ट नंबर की जो फिगर है वो आप घर पे भी बना के उसको ट्राई कर सकते हो. नाउ सेकेंड नंबर फिगर हमें बनानी है. सो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर वाला पीस रखेंगे, देन 3rd नंबर वाला स्क्वायर रखेंगे, देन 5 नंबर वाला ट्राइंगल रखेंगे, अगेन 2 नंबर वाला ट्राइंगल रखेंगे और लास्ट में आपको 4 नंबर वाला पीस रख देना है. सो इस तरीके से आपकी सेकेंड नंबर की फिगर कंप्लीट हो जाएगी. देन 3rd नंबर में अगेन एक शेप दिया गया है. ओके ये हमें किस तरीके से डिफरेंट शेप एनिमल्स के थिंग्स के, देन पीपल का भी आप इस तरीके से शेप बना सकते हो. ये हमें शेप 3rd नंबर का जो ये शेप है वो किस तरीके से बनाना है. सो यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्राइंगल 2 नंबर वाला अरेंज किया, देन 3 नंबर वाला स्क्वायर अरेंज किया, देन 4 नंबर वाला शेप हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, देन 1st नंबर वाला ट्राइंगल यहाँ अरेंज करेंगे एंड 5 नंबर वाला ट्राइंगल यहाँ अरेंज करेंगे. सो हमारी 3rd नंबर की फिगर कंप्लीट हो जाएगी. नाउ लास्ट में 4 नंबर की जो फिगर है उसको बनाने के लिए हमें वही 10 ग्राम के पीसेस यूज़ करने हैं. सो यहाँ पे हमने 2 नंबर वाला पीस रख दिया, देन 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 1 नंबर. ओके नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रायंगल तो आपको दिख रहे हैं 1, 2 एंड 3, बट तीनों के जो ये 2 नंबर एंड 5 नंबर वो स्मॉल ट्रायंगल है, जबकि ये 1 नंबर वाला ट्रायंगल थोड़ा बिग है. सो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कट करके इस तरीके से डिफरेंट टाइप के शेप्स, उसमें आप एनिमल का शेप, पीपल का शेप या तो कोई भी थिंग्स के शेप बना सकते हो. पेज नंबर 67, सी हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट, आर ऑल ऑफ देम
इक्वल इन साइज फाइंड आउट, यानी कि अभी हमने जो 5 pieces 10 gram यूज करके डिफरेंट शेप बनाए, ओके सो उसमें से हमें टोटल ट्रायंगल फाइंड करना है और क्या वो सारे इक्वल साइज के थे वो हमें फाइंड आउट करना है. सो सी आंसर, देर आर 3 triangles. हमने 3 triangles देखा सेट में, कौन कौन से नंबर पे था वो, 1, 2 and 5. तो ये 1, 2 and 5 नंबर पे जो ट्राइंगल शेप है वो ट्राइंगल का शेप दिया गया है. देन ओनली 2 out of the 3 आर इक्वल इन साइज. वी कैन चेक दैट बाय मेजरिंग द साइज ऑफ द ट्राइंगल्स. यानी कि हमने जो ट्राइंगल देखा उसमें 3 triangles है, बट उसमें से 2 triangles ऐसे है कि जिसकी साइज सेम है, और वो 2 कौन कौन से है, एक तो 2 number वाला ट्राइंगल एंड 5 number वाला ट्राइंगल. ये जो 2 triangles है वो साइज में सेम है, जबकि 1 number वाला ट्राइंगल जो है वो थोड़ा बिग है साइज में. तो 2 and 5 जो है वो दोनों इक्वल साइज में है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हियर, यूज द 2 small triangles इन द 10 gram सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप. यानी कि हमें क्या करना है, 2 small size का ट्राइंगल यूज करके ये जो 3 figures दी है वो हमें बनानी है, ये 1, 2 and 3. ये 3 figures हमें स्मॉल ट्राइंगल यूज करके बनानी है. क्या वो पॉसिबल है, येस और नो? सो वो पॉसिबल है. Now see here answer, use triangle 2 and 5 to get the figure of square. हमने जो 3 figures देखी आगे, square, then triangle और एक figure, हमने 3 figures देखी, तो वो figure हम ये 2 number का triangle और 5 number का triangle use करके बना सकते हैं. 2 and 5 दोनों सेम साइज के हैं, तो आप इस तरीके से उसको अरेंज कर दोगे तो आपको अपना जो figure दिया है square का वो मिल जाएगा. Then 2 number में हमें दिया है ट्राइंगल, सो उसके लिए भी हमें यही ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनाने के लिए भी हमें 2 and 5 वाले स्मॉल ट्राइंगल यूज़ करना है, और वो दोनों स्मॉल ट्राइंगल आप इस तरीके से अरेंज कर दोगे सो आपको ये बिग ट्राइंगल 1 मिल जाएगा, ओके. देन 3 number की जो फिगर है उसमें भी आपको सेम इस तरीके से यूज 2 and 5, वो ही 2 triangles यूज़ करना है, बट उसको अरेंज इस तरीके से आपको करना है सो आपको लास्ट वाली फिगर 3 number की मिल जाएगी. सो आप ये एक्टिविटी अपने घर पे भी आपको ट्राई करनी है. आपको सबसे पहले 5 pieces 10 gram बनाना होगा. आप इसके लिए पेपर भी यूज़ कर सकते हो, कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी घर पे करनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Which 2 pieces of the 10 gram set are exactly same? Find out. यानि हमने जो 5 pieces 10 gram जो बनाया है उसमें कौन से 2 pieces ऐसे हैं दो same है size में. So see here answer. Pieces 2 and 5 are exactly the same. We can check that by measuring them in a with the scale. Okay, आप scale से उसको सारी side उसकी measure करके देखोगे तो आपके ये 2 and 5 दोनों जो पीस है वो सेम ही है साइज में. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टेक पीस 4 and 5 फ्रॉम द सेट एंड फाइंड आउट ऑन विच साइड ऑफ द ट्राइंगल यू कैन जॉइन द अदर पीस. ओके सो हमारा जो 5 pieces 10 gram है उसमें से हमें कौन कौन सा पीस अभी ले लेना है. यहाँ पे आप देख रहे हो 4 and 5, ये 2 pieces हमें लेके हमें देखना है, फाइंड आउट करना है कि आप कौन कौन से ऑर्बिट कौन कौन से ट्राइंगल में इसकी जो साइड है वो आप मैच कर सकते हो. जैसे कि ये ट्राइंगल की साइड और ये शेप की ये सारी साइड आप किस किस के साथ मैच कर सकते हो वो आपको फाइंड करना है. तो आंसर यहाँ पे है, ये 4 number का पीस है उसको हमने ट्रायंगल के साथ मैच किया, उसकी ये साइड है वो ट्रायंगल से मैच हो रही है. सेम वही ये ट्रायंगल आप यहाँ पे रख दोगे सो इसकी ये साइड उसके साथ मैच हो जाएगी. ओके देन यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये 4 number का ट्रायंगल है, हमने उसको ट्रायंगल की दूसरी साइड से उसकी ऊपर वाली साइड को जॉइन किया सो इस तरीके से भी वो पॉसिबल है. देन वही ट्रायंगल, ये 4 number का पीस है,
है और हमने नेक्स्ट उसकी जो साइड है वहाँ पे उसका एक साइड रख दिया, तो ये साइड से भी हम ट्रायंगल को उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रायंगल जो दिया है, 5 नंबर का भी हमें ट्रायंगल देखना है, तो 5 नंबर का ट्रायंगल है ये, 5 नंबर का ट्रायंगल है और ये 4 नंबर का। सो इस तरीके से हम ट्रायंगल की सारी साइड को हम 4 और 5 नंबर के ट्रायंगल को मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मैचिंग साइड अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसीज, पीसीज 1 एंड 2, 2 एंड 4, 1 एंड 5 एंड 2 एंड 5। सो हमें क्या करना है, ये हमारे पास 10 ग्राम है, ओके ये 10 ग्राम में से डिफरेंट पीसेस दिया है। ए नंबर पे हमें दिया है 1 नंबर का पीस एंड 2 नंबर का पीस। सो ये 2 पीस हमें लेके उसके मैचिंग साइड्स फाइंड करनी है, ओके कि कौन कौन सी साइड ये दोनों में मैच करती है। सो आप यहाँ पे हमें एक तो दिखा ही दिया है, देखो ये साइड जो है वो दोनों साइड हम मैच कर सकते हैं। फिर यही का यही साइड, ये पूरा ट्रायंगल लेके आप अगर यहाँ रख दो तो यहाँ पे भी उसकी ये साइड मैच हो जाएगी, ओके। सो इस तरीके से आपको मैचिंग साइड फाइंड करनी है। नाउ सेकेंड नंबर, बी नंबर पे हमें दिया है कौन कौन से पीस हमें अभी मैच करने हैं, 2 एंड 4। ये दोनों मैच अगर करना है तो आप 2 वाला ये ट्रायंगल का ये साइड लेके यहाँ पे अगर आप अरेंज कर देते हो तो वो आपका मैचिंग साइड हो जाएगा। सेम टू सेम वही ट्रायंगल की ए साइड लेके आप यहाँ पे रख देते हो तो भी आपका मैचिंग कंप्लीट हो जाएगा, ओके। नाउ 3 नंबर, सी पे आपको दिया है कौन कौन से ट्रायंगल मैच करने हैं, 1 एंड 5। 1 एंड 5 वाले पीस आपको मैच करने हैं। पहले आपको देखना है 1 वाला पीस यहाँ है, 5 वाला पीस यहाँ है। सो इसमें से कौन कौन सी साइड है जो मैच करती है, सो यहाँ पे हमें बताया है कि जो 2 एंड 5 है वो दोनों सेम साइज के हैं, ओके। सो यहाँ पे ए 5 वाला आप उठा के आप यहाँ रख देते हो तो भी आपका ये मैचिंग साइड हो जाएगा। सेम वही 5 वाला ट्रायंगल आप ए साइड पे रख दोगे 1 पे तो ये दोनों उसकी मैचिंग साइड हो सकती है। फिर डी नंबर पे आपको कौन कौन से पीस दिए हैं, 2 एंड 5। 2 एंड 5 जो 2 नंबर का पीस है आपका ये यहाँ है, 5 नंबर का यहाँ है। बट वीडियो में हमने आगे देखा कि 2 एंड 5 दोनों इक्वल साइज के हैं, ओके। सो इसकी तो सारी साइड आप मैच कर सकते हो, ए ट्रायंगल की ए साइड और ए साइड दोनों मैच होगी। देन यहाँ से आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो और यहाँ से उसको यहाँ अरेंज कर सकते हो, क्योंकि 2 एंड 5 दोनों इक्वल साइज के ट्रायंगल है, ओके। सो आपको इस तरीके से 10 ग्राम के जो पीसेस है उसको मैचिंग साइड फाइंड करना है। नाउ पेज नंबर 67, सी हियर द 7 पीस 10 ग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हो 7 पीस, आगे जो हमने सीखा उसमें से 5 पीस थे, यहाँ पे 7 पीस 10 ग्राम दिया है। हियर इज द पिक्चर ऑफ 7 पीस 10 ग्राम। यू कैन कट आउट दिस पीसेस एंड पुट देम टुगेदर इन डिफरेंट वेज टू मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग शेप्स, ओके। सो इस तरीके से आप 7 पीस 10 ग्राम बना सकते हो। फिर वो ही डिफरेंट शेप को आप जो पीसेस है उसको अलग अलग तरीके से आपको रख देना है, जैसे कि A3 को आप यहाँ रख दोगे तो और कोई शेप हो जाएगा, है ना। सो यही पीसेस को यूज़ करके आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट वे में रखना है, सो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप मिलते हैं। सो इस तरीके से आप 7 पीस 10 ग्राम भी बना सकते हो। नंबर 68, सी हियर सम शेप्स आर गिवन, ट्राई मेकिंग दिस शेप, ओके। सो यहाँ पे मैंने ये सारे शेप होमवर्क के टाइप आपको करके दिया है। जो हमने 7 पीस 10 ग्राम बनाया उसमें ये सारे पीसेस है, सो वो पीसेस यूज़ करके हमें ये शेप बनाना है। ये लाइक कोई बर्ड के जैसा दिख रहा है, बर्ड कोई चल रहा है लाइक, एंड ये जो है वो कैट बैठी है वैसा हमें शेप दिख रहा है। सो जो 7 पीस 10 ग्राम है उसमें से हमें डिफरेंट पीस यूज़ करके लाइक A5 हमने यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, 4 यहाँ रखा, 3, 1, 7 एंड 6। तो इस तरीके से वही सारे पीस को आप यूज़ करके इस तरीके से 10 ग्राम में से ये शेप बना सकते हो।
कैट में भी मैंने आपको करके दिया है यहाँ पे 3, 5, 4 देन 2, 1, 6 एंड 7। सो इस तरीके से आपके कट किए हुए पीस आप रख दोगे तो आप इस तरीके से दोनों शेप बना सकते हो, और ये शेप बनाने की ट्राई आपको घर पे भी करनी है। नाउ पेज नंबर 68, यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़े शेप्स दिए गए हैं आपको इंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको पहले दिया है कि आपको ये शेप बनाना है, बट आपकी इंस्ट्रक्शन है यूज़ ओनली ट्रायंगल्स। ये शेप बनाने के लिए हमें सिर्फ ट्रायंगल, जो 7 पीस 10 ग्राम है उसके ट्रायंगल हमें यूज़ करने हैं। सो आप उसके जितने भी ट्रायंगल है वो यूज़ करके मैंने आपको नंबर के साथ दिया है। सो इस तरीके से अरेंज करोगे तो आपका फर्स्ट नंबर वाला शेप बन जाएगा। नाउ सेकेंड नंबर, यूज पीसेस 1, 2, 3 एंड 5। सो हमें टोटल 1, 2, 3 एंड 5 पीस यूज़ करके ये वाला रेक्टेंगल बनाना है। सो यहाँ पे मैंने नंबरिंग करके आपको दिखाया है कि आप इस तरीके से वो शेप बना सकते हो। देन थर्ड नंबर, यूज़ ओनली 2 ट्राइंगल, हमें सिर्फ 2 ही ट्राइंगल यूज़ करना है। सो 2 ट्राइंगल में आप देखोगे 6 एंड 7 दोनों ट्राइंगल जो है वो एकदम बिग ट्राइंगल है और सेम शेप में है। सो वो दोनों को आप इस तरीके से रख दोगे तो आपका ये वाला थर्ड नंबर का शेप बन जाएगा। देन फोर नंबर, यूज़ पीस 1, 2, 3 एंड 5, अगेन हमें 1, 2, 3 एंड 5 यूज़ करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हो ए और ए दोनों स्क्वायर सेम ही शेप के हैं, बट यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ट्राइंगल यूज़ करना था, जबकि यहाँ पे हमें डिफरेंट पीसेस यूज़ करना है। सो वो सारे पीसेस यूज़ करके हमें इस तरीके से ट्राइंगल बनाना है। सो ये एक्टिविटी भी आपको घर पर ट्राई करनी है। पहले आपको 7 पीस ट्राइंगल बना लेना है, देन इस सारे एक्टिविटी में जो पीस दिए हैं वो यूज़ करके आप इस तरीके से शेप बना सकते हो।